तो गाइज इंडियन बाइक ड्राइविंग के अंदर आ चुका है इंसानों को खाने वाला आदमखोर डेविल जायंट मोटू। तो क्या जायंट पतलू एंड फ्रैंकलिन इस जायंट डेविल मोटू से निपट पाएंगे या फिर कोई और ही मुसीबत खड़ी होने वाली है, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ऑलराइट गाइज, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हमने एक रेड कलर की पावर यूज करी थी जिससे की पूरी सिटी के साथ में मोटू एंड पतलू भी काफी जायंट हो जाते हैं, इवन पूरी की पूरी सिटी भी जायंट हो जाती है। अब यार ये सब कुछ देखकर फ्रैंकलिन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है, इसलिए वो स्मॉल पावर स्टोन से सारी चीजों को वापस से छोटा कर देता है। छोटा करने के बाद उन सबको यार अपनी अपनी जगह पे रख देता है, लेकिन वो जायंट मोटू एंड पतलू को छोटा नहीं कर पाता क्योंकि ये पावर स्टोन डायरेक्टली इंसानों पे काम नहीं करते हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था। यार मैंने सारी चीजों को अपनी अपनी जगह पे तो रख दिया, लेकिन इनको वापस बड़ा भी तो करना पड़ेगा, यानी कि नॉर्मल साइज में। यार मुझे अपने दोस्त की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। चलो यार विकास का घर आ चुका है, जल्दी से इसको बाहर बुलाते हैं, पतलू को भी बुलाते हैं। यार अरे यार विकास, ये जो दोनों पावर है ना, रेड एंड ग्रीन वाली, भाई या तो इनसे चीजें बहुत ज्यादा बड़ी हो जा रही है या फिर बहुत ज्यादा छोटी हो जा रही है। मैं किसी भी चीज को वापस नॉर्मल नहीं कर पा रहा यार। इस जायंट पतलू को देख ले यार, इसकी भी साइज नॉर्मल नहीं हो रही है, कुछ कर भाई। यार क्या कर सकते हैं अब, मेरे पास यार एक आइडिया तो है लेकिन काम करेगा या फिर नहीं मुझे नहीं पता यार, चलो ट्राई करके देखते हैं। देख मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा करना, हमें इन दोनों पावर स्टोन को आपस में मिलाना होगा, लेट्स ट्राई। चल ठीक है भाई। अरे तो दोनों आपस में पास आ रहे हैं। अरे भाई, अरे यार ये चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी भाई, ये क्या हो रहा है। अरे यार ये तो पर्पल स्टोन बन गया। चल अब एक काम कर, ये वाले स्टोन को ना मोटू पतलू पे ट्राई मत करना, तेरे घर पे जाके ट्राई कर। चल ठीक है, बट यार मोटू कहाँ पर है भाई, पतलू तो यहाँ पे खड़ा है, मोटू यार काफी टाइम से दिखा नहीं है, कहाँ गया। चलो यार अपन घर पे जाके ट्राई करते हैं इस पावर को। मैंने पतलू को यार मोटू को ढूंढने के लिए भेज दिया है, अब वो ढूंढ के ही वापस आएगा, पता नहीं कहाँ पर ढूंढने गया होगा। और मोटू भी यार काफी टाइम से दिख नहीं रहा यार, पता नहीं कहाँ गया। ऑलराइट गाइस, ये अपना टाइनी हाउस जिसको मैंने छोटा करा है जस्ट अभी, और इसको मैं जस्ट यहाँ पे लेके आया हूँ। अब चलो इसको बड़ा करने की ट्राई करते हैं इस पर्पल स्टोन से, पता नहीं यार ये ट्रिक काम करेगी या फिर नहीं, या फिर कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए यार, देखते हैं टेस्ट। अरे भाई घर बड़ा हो रहा है भाई, जायंट मत बन जाना प्लीज, नॉर्मल साइज में। अरे भाई रुक गया भाई साहब, मेरा घर नॉर्मल साइज हो गया। चलो यार पुलिस स्टेशन और एयरपोर्ट बिल्डिंग को भी फटाफट बड़ा कर देते हैं। भाई साहब यहाँ पर अपने घर में वापस आ चुका हूँ मैं भाई, कितना प्यारा लग रहा है, कितने दिन बाद मैं अपने घर को अच्छे से देख पा रहा हूँ भाई। ये रहा अपना स्विमिंग पूल भाई, इतने दिन हो गए नहाया भी नहीं था भाई। और ये देखो अपना प्यारा व्हाइट घर। चलो यार अंदर से चेक करते हैं, कुछ टूटा फूटा तो नहीं है ना भाई, सब ठीक ठाक है यार। चलो पुलिस स्टेशन चेक कर लेते हैं एक बार। भाई साहब ये देखो पुलिस स्टेशन भी नॉर्मल साइज हो गया है, और यहाँ पर पुलिस वाले भी वापस आ गए, और वो पीछे की साइड में एयरपोर्ट की बिल्डिंग भी वापस सही हो चुकी है। चलो भाई अब चलते हैं यार अपने दोस्त के पास वापस, वहाँ पे पतलू भी अपना इंतजार कर रहा होगा, वहाँ पे शायद मोटू भी आ गया होगा, तो दोनों को यार छोटा कर देता हूँ वापस से भाई, काफी टाइम से बड़े घूम रहे हैं वो। ओके गाइस मैं यहाँ पर तो आ चुका हूँ, लेकिन भाई मोटू अभी तक मिला ही नहीं है। अब यार इस पर्पल स्टोन को यार पतलू के लगाऊं या फिर नहीं समझ नहीं आ रहा। चलो यार थोड़ा मोटू का वेट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से तो वो आ ही जाएगा यार। अरे भाई ये जमीन क्यों हिलने लग गई, अरे ये क्या है, अरे ये तो मोटू है भाई, अरे यार इसकी शक्ल ऐसी कैसी हो गई। तो ये सब देखने के बाद सबकी आंखें फटी के फटी रह जाती है, और पतलू फ्रैंकलिन को उठा के वहां से भाग जाता है, लेकिन फ्रैंकलिन का दोस्त वहीं पे फंस जाता है और मोटू उसको अरे पतलू मेरा दोस्त यार मेरे दोस्त को मार दिया। यार पतलू ये क्या हो गया भाई, ये मोटू ऐसा कैसे हो गया भाई, मैं मोटू को नहीं छोड़ूंगा अब। यार मुझे ऐसा लगता है जो हमने रेड पावर स्टोन यूज किया था ना मोटू को जॉइंट करने के लिए, उससे यार कोई गलत असर हो गया तभी वो ऐसा बन गया। अच्छा अच्छा सुन मेरे पास एक आइडिया है, देख हम मोटू है ना यहाँ पर बुलाएंगे ठीक है, और तू यहाँ पर बिल्डिंग के पास में खड़े रहना, और जैसे यहाँ पर मोटू आएगा ना अपनी पावर की मदद से तू इस बिल्डिंग को गिरा देना मोटू के ऊपर, उसके बाद मैं ये वाला पर्पल स्टोन उसके ऊपर लगा के उसको छोटा कर दूंगा वापस ठीक है। लेकिन यार उसको यहाँ तक बुलाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक जायंट समोसे की, जो कि मुझे पता है कहाँ पर मिलेगा, मुझे रैंप एरिया के सबसे टॉप वाले हिस्से पे जाना पड़ेगा। चल मैं समोसा लेके आता हूँ, तब तक यहीं रुक। अरे यार विकास यार क्या हो गया भाई तुझे, यार मोटू ने इसको मार डाला भाई। यार भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे मोटू को वापस छोटा करना ही पड़ेगा, चलते अपनी डिफेंडर लेके यहाँ से। हाल फिलहाल तो मेरे पास डिफेंडर है यार, बस यार मुझे डिफेंडर से इस चैलेंज को कंप्लीट करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, पता नहीं यार ये चैलेंज कंप्लीट होगा या फिर नहीं। स्पीड कितनी है चेक करनी पड़ेगी, अरे यार बहुत कम स्पीड है, पता नहीं यार जंप ले पाएगी या फिर नहीं। नहीं यार मुझे थोड़ा पीछे से आना पड़ेगा तभी मैं लॉन्ग जंप ले सकता हूँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, थोड़ा पीछे चलते हैं। ऑलराइट गाइस अभी मैं काफी ज्यादा स्पीड में आया हूँ, और आई थिंक यहाँ पर डिफेंडर अपनी जंप ले लेगी, प्लीज प्लीज, और फाइनली लेट्स गो गाइस, फटाफट चलते हैं ऊपर की साइड में। अब यहाँ से मुझे राइट टर्न लेना है,
आराम से, लेट्स गो भाई। अरे यार स्पीड कुछ ज्यादा ही कम हो गई है। नहीं 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 भाई, बहुत ज्यादा कम हो गई स्पीड, और कम होती जा रही है। पता नहीं यार वहां तक जंप ले पाऊंगा या फिर नहीं। प्लीज प्लीज, अरे पहुंच गया पहुंच गया। अरे यार भाई पहुंच ही गया था लगभग। नहीं यार डिफेंडर से काम नहीं बनने वाला। अरे यार भाई टूट भी गई है तो पूरी। ओके गाइस, थोड़ा फाइंड करने के बाद मुझे यहाँ पर एक बाइक तो मिल गई है। आई थिंक यार ये वाली बाइक से चैलेंज जरूर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स गो भाई, टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा अपने पास, जल्दी कर फ्रैंकलिन यार जल्दी कर। ऑलराइट गाइस, चैलेंज स्टार्ट करते हैं। यार मैं डायरेक्ट ही जंप लेने वाला हूँ सामने, आराम से आराम से। अरे अरे भाई भाई नहीं यार, पहुँच गया ना। अरे भाई साहब नीचे गिर के भी चढ़ गया भाई। चलो भाई साहब मजा आ गया, फटाफट चलते हैं। ओके यहाँ से अब मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, स्पीड थोड़ी स्लो। अरे यार कुछ ज़्यादा स्लो नहीं कर दूँ बस स्पीड। भाई चढ़ जा प्लीज़। ओके नॉर्मल स्पीड हो चुकी है। और अरे यार कुछ ज़्यादा ही, भाई फिर से बच गया। अरे भाई क्या बचाऊँ यार। ओके यहाँ पे मत गिरना प्लीज़, बस पहुँच गए, थोड़ा जोर बचा है, बस मुझे सामने जाना है वहाँ से। लेट्स गो, फटाफट से जाइंट समोसा लेके निकलते हैं भाई। आ गया आ गया आ गया, बस थोड़ा सा दूर और फाइनली फाइनली भाई जायंट समोसा मिल चुका है भाई। इसका साइज देखो कितना ज्यादा बड़ा है यार, ये मोटू को बहुत ज्यादा पसंद आएगा और वो भागा भागा चला जाएगा इसके लिए। चलो फटाफट चलते हैं पतलू के पास, लेकिन उसके लिए पहले हमें यहाँ पर सेफली उतरना पड़ेगा वरना फ्रैंकलिन मर भी सकता है। आराम से आराम से, बस मुझे धीरे धीरे बैक फ्लिप मारनी ताकि थोड़ी गिरने की जो स्पीड है वो कम हो जाए। एक बार और मारनी पड़ेगी आराम से, और बच गया भाई। लेट्स गो, अब फटाफट चलते हैं पतलू के पास। ऑलराइट गाइस, यहां पर चौराहे के बीचों बीच में मैंने समोसे रख दिए हैं। अब यहां पर चौराहे पर ही आएगा मोटू, और जैसे ही मोटू वहां पर आएगा तो पतलू एकदम रेडी है बिल्डिंग के नीचे मोटू को दबाने के लिए। तो यार जायंट डेविल मोटू आता ही होगा। खुशबू कहां से आ रही है? खुशबू पतलू एकदम रेडी है ना, मेरे कहने पर बिल्डिंग को गिरा देना। बस थोड़ी देर और रुक जा, थोड़ी देर और रुक जा, बस अभी जल्दी कर। फाइनली मोटू को दबा दिया भाई साहब, जल्दी कर पतलू, चेक करते हैं भाई मर तो नहीं गया कहीं मोटू। ओके भाई जिंदा है, भाई जिंदा है, जिंदा है मोटू। अरे भाई सांस में सांस आई, मुझे लगा बिल्डिंग ने मार ही दिया होगा यार, इसकी वजह से बचा है, ये दूसरी बिल्डिंग में जाके अटक गई वरना ये मर जाता। चलो यार फटाफट इसको छोटा कर देता हूँ, काफी देर से तड़प रहा है ये। ओके मैंने स्टोन इसको लगा दिया है, देखते भाई ये सही होता है फिर, छोटा तो ये हो गया है। ओके चलो बिल्डिंग भी नहीं गिरी यार, अटकी हुई पड़ी है। अरे मोटू तो ठीक है क्या भाई? ओके भाई फाइनली मोटू एकदम ठीक हो चुका है यार, कितना खुश लग रहा भी है, लेकिन इसने एक मर्डर कर दिया इसको पता भी नहीं है। चल पतलू अब तेरी बारी, तेरे को भी स्टोन लगा देता हूँ, तुझे भी छोटा करता हूँ यार, टेंशन नॉट। यार सॉरी मोटू पतलू, मेरी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई तुम्हें, मैंने बहुत ज्यादा टाइनी कर दिया फिर बहुत ज्यादा जायंट कर दिया, उसके लिए सॉरी यार। अरे कोई नहीं फ्रैंकलिन भैया, तुमने अनजाने में किया है, जाने दो कोई बात नहीं। और हाँ जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो जल्दी से लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो,